बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ यासिर खान और आप देख रहे हैं मुझे YouTube चैनल लर्न विद खान पे। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं आप उनको अच्छी तरह से देख रहे होंगे और उनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे। मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज़ है और हमारा चैप्टर चल रहा है मटीरियल्स कॉस्टिंग का। टॉपिक हमारा चल रहा है इन्वेंट्री लेवल्स का और 6 एक्सरसाइजेज इसकी हम कर चुके हुए हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमने हर तरह का क्वेश्चन जो कि पास पेपर्स में आया हुआ है जो कि पॉसिबल है वो हमने करना है और आज हमारा इसके ऊपर सेकंड लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर इसके ऊपर हमारा आखिरी होगा। दो क्वेश्चंस हैं आज और ये सारे क्वेश्चंस डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ये जेहन में रखना है। ठीक है, जो आज के दोनों हैं ये भी डिफरेंट हैं, जो अगले लेक्चर्स वाले होंगे वो भी डिफरेंट हैं। अच्छी तरह से इनको समझना है, पेपर्स में बार बार आए हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 7 देखें। टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। दो तरह का मटेरियल है ए और बी, दो मटेरियल्स वाला क्वेश्चन है। अभी तक जितने पिछले क्वेश्चंस किए हैं 6 के 6 वो सिंगल मटेरियल के थे, अब दो मटेरियल्स वाला क्वेश्चन हो, इन्फॉर्मेशन कैसे लिखनी है, हल कैसे करना है, फॉर्मूले कैसे लगाने हैं, ये आपको आ जाएगा। मिनिमम यूजेज जो है वो 20 यूनिट्स पर वीक ईच, यानी दोनों का 20-20 यूनिट्स ही है। और नॉर्मल यूजेज यानी एवरेज यूजेज, जो एवरेज कंजम्पशन है वो 40 यूनिट्स पर वीक ईच है, वीकली दिया हुआ है डाटा और दोनों की कंजम्पशन एक जैसी है, मटेरियल ए की भी बी की भी। मैक्सिमम यूजेज जो है वो 60 यूनिट्स पर वीक है ईच और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी रीऑर्डर क्वान्टिटी दी हुई है। मटेरियल ए का 400 यूनिट्स है, बी का 600 है, यानी मटेरियल ए 400 यूनिट्स ऑर्डर साइज है, बी का जो है वो 600 यूनिट्स है। रीऑर्डर पीरियड लीड टाइम दिया हुआ है, मटेरियल ए का 3-5 वीक्स है, बी का 2-4 वीक्स है। अब इसका ये मतलब है कि इंटरवल एस्टीमेट है और रेंज में लीड टाइम दिया हुआ है, कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मटेरियल ए को और कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं मटेरियल बी को और ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीक्स लगते हैं, ये लीड टाइम है। कैलकुलेट फॉर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, दोनों तरह के मटेरियल्स के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑर्डरिंग पॉइंट, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है, मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करना है और डी, ये फॉर्मूला नहीं पहले हमने डिस्कस किया, एवरेज स्टॉक लेवल फाइंड आउट करना है। एवरेज स्टॉक लेवल कैसे फाइंड करते हैं वो इस क्वेश्चन में, ये बात भी जो है वो नई है। इंफॉर्मेशन देखें इसकी, एक्सरसाइज 7 है, इंफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे इस तरह से इंफॉर्मेशन, और ना ऐसे हम एक वर्चुअल से, यानी लाइनें लगाएंगे भी नहीं लेकिन यूं लगे जैसे यह मटेरियल ए और मटेरियल बी, और ऐसे लिखेंगे साफ सुथरा सा करके एक सीक्वेंस में कि वो जो है वो स्केलिंग उसकी बड़ी प्रॉपर हो। अब आप ज़रा गौर करें, मैक्सिमम कंजम्पशन वीकली, आपको पता है कि हम कंजम्पशन पहले लिखते हैं, उसे पहले लिखने का मतलब ये होता है कि कंजम्पशन जो है वो मेन पॉइंट है, इसके हिसाब से बाकी सारा डेटा हमने अरेंज करना है। और मैक्सिमम कंजम्पशन पहले वीकली दी हुई है, मटेरियल ए और बी दोनों की 60-60 यूनिट्स है। मिनिमम कंजम्पशन वीकली है और वो 20-20 यूनिट्स है, और जो एवरेज कंजम्पशन वीकली बन रही है मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, तो वो 60 जमा 20 बटा 2 दोनों की, तो वो 40-40 यूनिट्स जो है वो बन जाएगी। और ये वीकली डेटा दिया हुआ है, यहाँ तक कंजम्पशन का डेटा हो गया, मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज। अब लीड टाइम चूँकि रेंज में है तो वो भी ऐसे ही, हमने मैक्सिमम लीड टाइम पहले लिखना है, फिर मिनिमम लीड टाइम और फिर एवरेज लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम जो है वो मटेरियल ए का 5 वीक्स है, मटेरियल बी का 4 हफ्ते है। मिनिमम लीड टाइम जो है वो एक का, मटेरियल ए का 3 वीक्स है और बी का 2 वीक्स है। फिर एवरेज लीड टाइम मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 कर लेंगे हम, तो 5 + 3/2 तो 4 वीक्स आ जाएगा, 4 + 2/2 तो जो है वो ये 3 वीक्स आ जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू जो है वो 400 यूनिट्स मटेरियल ए की है, 600 यूनिट्स मटेरियल बी की है। ये डेटा जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, पहले नहीं हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखा कि दो तरह का मटेरियल दिया हुआ हो। पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स में ये आया हुआ है, चेन फिगर्स से भी आया हुआ है। रिक्वायरमेंट ए, ऑर्डर पॉइंट, ऑर्डर लेवल या ऑर्डर लिमिट। ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखें यहाँ पे वो सेफ्टी स्टॉक वाला तो चक्कर नहीं, वो दिया नहीं हुआ, बार बार जो है वो हर क्वेश्चन में मैं आपको बताता रहूँ, यही फार्मूला जो आम हालात वाला ये इस्तेमाल होगा। मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम फॉर मटेरियल ए, देखें मैक्सिमम कंजम्पशन 60 यूनिट्स है, मैक्सिमम लीड टाइम 5 वीक्स है,
और फॉर मटेरियल भी मैक्सिमम कंजम्पशन 60 यूनिट्स है और मैक्सिमम लीड टाइम 4 वीक्स है। तो 300 यूनिट्स ऑर्डर लेवल है मटेरियल ए का, 240 यूनिट्स मटेरियल बी का। और मतलब क्या है कि जिस दिन स्टोर में इतने इतने यूनिट्स रह जाएंगे ऑर्डर दे दिया जाएगा, ऑर्डर दे दिया जाना चाहिए, ये ऑर्डरिंग लेवल है। यहाँ पे स्टोर कीपर परचेज रिक्विजिशन परचेजिंग डिपार्टमेंट को जारी कर देगा। रिक्वायरमेंट भी मिनिमम लेवल या सेफ्टी स्टॉक, इसे मिनिमम स्टॉक लेवल कहते हैं हम, और ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम। तो 300 यूनिट्स मटेरियल ए का ऑर्डर लेवल है, एवरेज कंजम्पशन 40 यूनिट्स है और एवरेज लीड टाइम 4 वीक्स है। तो ये 300 माइनस 160 तो 140 यूनिट्स आ जाएगा। मटेरियल बी का ऑर्डर लेवल 240 यूनिट्स है और एवरेज कंजम्पशन जो है वो मटेरियल बी की 40 यूनिट्स है और एवरेज लीड टाइम 3 वीक्स है। तो माइनस 40 इंटू 3 तो ये 240 माइनस 120 तो 120 यूनिट्स जो है वो ये आ जाएगा। रूटीन के फॉर्मूले, लिखने का अंदाज जो है वो चेंज है, क्वेश्चन चेंज है, दो तरह का मटेरियल है और इसे इस तरह से आपने इसकी प्रेजेंटेशन रखनी, इस तरह से इसे मैनेज करना है। अब दो जो अगली रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स ये है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। उसने मैक्सिमम लेवल कहा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल या एब्सोल्यूट, आपको समझाया कि मैक्सिमम जब भी दिया होगा इट मीन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है, ऐसे बड़ी ब्रैकेट्स आएंगी, ऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम और ब्रैकेट्स बंद प्लस ईओ क्यू। तो मटेरियल ए देखें, ऑर्डर लेवल है 300 यूनिट्स माइनस जो मिनिमम कंजम्पशन है वो 20 है और मिनिमम लीड टाइम मटेरियल ए का 3 वीक्स है। तो 20 इंटू 3 तो 300 माइनस 60 तो 240 और 400 जो मजीद जब रीऑर्डर साइज हमारा 400 है वो आएगा तो वो जमा होगा तो 640 यूनिट्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद जो मटेरियल बी है उसमें देखें, मटेरियल बी का ऑर्डर लेवल 240 यूनिट्स है, 240 आ गया माइनस मिनिमम कंजम्पशन 20 यूनिट्स है और मिनिमम लीड टाइम जो है वो 2 वीक्स है। तो 20 इंटू 2 तो 240 माइनस 40 ब्रैकेट्स बंद हो जाएंगी, ये रह गया 200। यही बात बार बार हमने एक्सप्लेन की हुई है, हमें पता है कि हमने ऑर्डर लेवल पे जब पहुंचे उसके बाद लीड टाइम के दिनों में कंजम्पशन कम से कम हुई और स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा बचा, हद जो बचे वो 200-600 और आके जमा हो गए और एब्सोल्यूट जो लेवल अचीव हो सकता है वो 800 यूनिट्स है, इससे एक यूनिट भी ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। और आम तौर पर ये भी नहीं होगा, आम तौर पर जो मैक्सिमम लेवल होता है वो एवरेज मैक्सिमम लेवल होता है जो औसतन अचीव होता है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट डी, एवरेज स्टॉक लेवल। अब एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। अब ये फॉर्मूला पहले डिस्कस नहीं किया, एक होता है एवरेज लेवल और एक होता है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज लेवल या एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। और अगर एवरेज स्टॉक लेवल वो कह दे तो इट मीन्स इट के आपने मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। और फॉर मटेरियल ए, अब आप ज़रा गौर करें, मटेरियल ए का मैक्सिमम स्टॉक लेवल 640 यूनिट्स है और मटेरियल ए का मिनिमम स्टॉक लेवल 140 है। तो 640 प्लस 140 तो 780 बाय 2 तो 390 यूनिट्स आ जाएगा, 39 दो 78 होते हैं तो 390 यूनिट्स आ जाएगा। फॉर मटेरियल बी, मटेरियल बी का मैक्सिमम स्टॉक लेवल 800 यूनिट्स है और मटेरियल बी का मिनिमम स्टॉक लेवल 120 है तो 800 प्लस 120 तो इट इज़ 920 बाय 2 तो 46 दो 92 होते हैं 460 यूनिट्स। तो ये जो है वो यानी दो मटेरियल जगड़ दिए उसने, तो फिर क्या हो गया, हमने फॉर्मूले लिखे और उसको मैनेज किया स्पेस को, फॉर मटेरियल ए फॉर मटेरियल बी ये आंसर्स हैं आपके, इन्फॉर्मेशन लिखने के अंदाज में चेंज थी वो आपने गौर कर ली है। एक्सरसाइज 7 पास्ट पेपर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। फिर एक्सरसाइज 8, अब देखें ज़रा, ये आज के लेक्चर की लास्ट एक्सरसाइज है और ये बड़ा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। इसमें हमने हर तरह का फॉर्मूला अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है वो यूज़ कर देना है, लंबा चौड़ा सवाल है, ताकि अब तमाम फार्मूलाज की प्रैक्टिस हो जाए। नज़ीर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस ए सर्टेन मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल, मैक्सिमम यूजेज पर डे, अब ये डेली कंजम्पशन दी हुई है 90 यूनिट्स है, मिनिमम यूजेज पर डे 50 यूनिट्स है, लीड टाइम
10 डेज है। अब कंजम्पशन भी डेज में है, लीड टाइम भी डेज में है, और लीड टाइम 10 दिन दिया हुआ है, पॉइंट एस्टिमेट है। अब ये जरा देखें, शुरू में पहले क्वेश्चन पॉइंट पे था, फिर एवरेज वो रेंज वाले जो थे, वो मैक्सिमम मिनिमम एवरेज वाले जो हैं वो को 2-3 क्वेश्चन किए, फिर जो है वो मिक्स, ताकि आप लोगों की हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1200 यूनिट्स है, सेफ्टी स्टॉक रिक्वायरमेंट्स 200 यूनिट्स है। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक अवेलेबल है, ज़रा गौर से क्वेश्चन करना है। और कंप्यूट दी फॉलोइंग, 7 रिक्वायरमेंट्स हैं, रीऑर्डर पॉइंट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, नॉर्मल मैक्सिमम लेवल। अच्छा, क्वेश्चन समझना बड़ा ज़रूरी होता है, क्वेश्चन गौर से पढ़ना, एंड तक क्वेश्चन पढ़ना, ये नहीं कि आपने ये पढ़ी और आपने लिखना शुरू कर दिया। सवाल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग खास तौर पर पढ़ते हुए पूरा पढ़ना है, ध्यान करना है, तवज्जो करनी है, देखना है क्या चीज़ें दी हुई हैं। ऐसे ही नहीं कि बीच में ही छोड़ के जो है वो देखा कि जी ये रिक्वायरमेंट आती है, मुंह में पानी आ गया, हल करना शुरू कर दिया, आगे जाके पता चला जी इन्फॉर्मेशन ही कुछ और है। इसलिए तवज्जो से काम करना है, सवाल पूरा पढ़ना है और सवाल को अच्छी तरह से समझना है। जब आप सवाल की सिचुएशन समझेंगे तो फिर आप सोल्यूशन कर सकते हैं, वरना नहीं। और यहाँ नॉर्मल मैक्सिमम लेवल 3री रिक्वायरमेंट है, मिनिमम स्टॉक लेवल 4थी रिक्वायरमेंट है, एवरेज लेवल या एवरेज इन्वेंट्री ये 5वीं रिक्वायरमेंट है, और 6ठी रिक्वायरमेंट एवरेज स्टॉक लेवल। अब दोनों इकट्ठी एक ही क्वेश्चन में आ गई। 7वीं रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है कि डेंजर लेवल, इफ़ एमरजेंसी सप्लाइज कैन बी सिक्योर्ड विद इन 2 डेज। अगर 2 दिन में ही एमरजेंसी मटीरियल जो है वो मंगवाया जा सकता हो, तो एमरजेंसी लीड टाइम देखें जाके रिक्वायरमेंट में आखिरी में दिया हुआ है। अब आप क्वेश्चन ना पढ़ें, शुरू से हल करना शुरू कर दें, तो फिर इन्फॉर्मेशन में आप जो है वो ऐसे बातों को मिस कर जाएंगे। क्वेश्चन पूरा पढ़ना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्फॉर्मेशन देखें इसकी, एक्सरसाइज 8 है। इन्फॉर्मेशन कुछ यूँ है, मैक्सिमम कंजम्पशन डेली दी हुई है 90 यूनिट्स, मिनिमम कंजम्पशन डेली दी हुई है 50 यूनिट्स, एवरेज कंजम्पशन डेली हो जाएगी मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, तो 90 प्लस 50 बाय 2 तो 70 यूनिट्स हो जाएगी। लीड टाइम 10 डेज का दिया हुआ है और इमरजेंसी लीड टाइम 2 दिन दिया हुआ है, ये इमरजेंसी लीड टाइम भी दिया हुआ है। अब आप ज़रा गौर कर ले, कंजम्पशन डेज में है, लीड टाइम भी डेज में है, पॉइंट एस्टिमेट है, रेंज वाली बात नहीं है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओ क्यू 1200 यूनिट्स है, रीऑर्डर साइज जो है वो 1200 यूनिट्स वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेफ्टी स्टॉक ये जो है वो इन्फॉर्मेशन सेफ्टी स्टॉक की 200 यूनिट्स है। अब ज़रा गौर करें, रिक्वायरमेंट 1 है ऑर्डर लेवल, ऑर्डर लिमिट या ऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लिमिट या रीऑर्डर पॉइंट। तो ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा? अब मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम नहीं यूज़ होगा, क्यों? इस वजह से कि सेफ्टी स्टॉक गिवन है, ये पहला क्वेश्चन है। तो जब सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है तो ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होगा एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो एवरेज कंजम्पशन है 70, लीड टाइम है 10 दिन प्लस सेफ्टी स्टॉक 200 यूनिट्स है, तो 700 जमा 200 तो ये 900 यूनिट्स आ जाएगा, ये ऑर्डर लेवल है। अब रिक्वायरमेंट 2, रिक्वायरमेंट 2 दिया हुआ है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको समझाया कि जब भी मैक्सिमम स्टॉक लेवल कहा जाए तो उसका मतलब है एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला होता है, ऑर्डर लेवल माइनस उसके बाद कंजम्पशन हुई उन दिनों में मिनिमम, बचे ज़्यादा से ज़्यादा, और रीऑर्डर क्वांटिटी आके उसमें हो गई जमा। तो ऑर्डर लेवल है 900 यूनिट्स का माइनस मिनिमम कंजम्पशन है 50, लीड टाइम है 10 दिन, ब्रैकेट्स बंद हो गई, और 1200 यूनिट्स रीऑर्डर क्वांटिटी है। नया जब आता है तो 1200 आता है, तो 1200 और आके बीच में जमा होगा। 900 से शुरू हुए उन दिनों में 500 कम से कम भी कंज्यूम हुए तो 500 होने हैं, 400 ये बच जाएंगे, 1200 और आके जमा होंगे, तो 1600 यूनिट्स का एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। रिक्वायरमेंट 3, नॉर्मल या एवरेज मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब नॉर्मल मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है ऑर्डर लेवल माइनस, यहाँ थी मिनिमम और यहाँ है एवरेज कंजम्पशन। देखें फॉर्मूले वही अप्लाई हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सिचुएशन ये है कि ज़रा यहाँ पे सारे आ जाएंगे, सिचुएशंस चेंज होती हैं, तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। फॉर्मूले आपको ऐसे ही आने चाहिए, पानी पानी, इसमें तो आपको मसला ही नहीं रह जाना चाहिए। इसका सवाल आए पेपर में 20 नंबर ये जो है वो मुफ्त के हैं,
अच्छे तरीके से काम करें, प्रैक्टिस करें, फिर भी कोई बात समझ नहीं आती, कमेंट्स सेक्शन में मुझसे पूछें, उसको आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। तो यहाँ एवरेज कंजम्पशन इन टू लीड टाइम ईओक्यू प्लस हो जाएगी, 900 यूनिट्स है। तो अब ज़रा देखें, एवरेज कंजम्पशन है 70 यूनिट्स, इन टू लीड टाइम 10 है, तो 900 माइनस 700 तो 200 ये बचेंगे, 1200 और आके जमा होंगे तो 1400 यूनिट्स। अब पता है ये दोनों आपके सामने हैं, मैं फिर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। बात ये है कि यहाँ हम ये है रेयर सिचुएशन में, ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन में रोज़ मिनिमम यूजेज हो, तो ये रेयर सिचुएशंस में है। तो ये 1600 ये सिर्फ कैलकुलेशन है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम की हद देख लें, ये है रूटीन की एवरेज, औसतन मैक्सिमम इतने ही होते हैं। क्योंकि क्या होगा उन 10 दिनों में, कभी ज़्यादा कभी कम यूज़ होंगे, तो ऑन एवरेज 70 यूज़ होंगे, तो 700 यूज़ हो जाएगा, 200 ये बचेगा, ऑन एवरेज 200 ही बचता है, और 1200 और आके जमा होता है, तो 1400 यूनिट्स जो है ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल की, ये जो एवरेज हद है ये है जो रूटीन में अक्सर होती है, नॉर्मल रूटीन में होती है, ये एब्सोल्यूट हद है, ये रेयर सिचुएशंस में होती है। ये दोनों आपके सामने हैं, दोनों में फिर भी कोई समझ में मसला हो, असल बात ये नहीं होती है फॉर्मूला लिखा जवाब आ गया जी मेरे जवाब ओके हैं चलो जी। बात ये है कि आप जो जवाब निकाल रहे हैं आपको पता भी है आपने निकाला क्या, आपने ये फाइंड आउट क्या कर लिया है, कैलकुलेट क्या कर लिया है, इसका मतलब क्या है, इसकी तशरीह क्या है, आप समझे क्या, ये बात असल होनी चाहिए कि आपको ये बात क्लियर है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम स्टॉक लेवल के जो मिनिमम स्टोर में पड़े होते हैं जो आपने अपनी सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं, तो गिवन था ना सवाल में ये 200 यूनिट्स, हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखें ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम, तो 900 माइनस 70 इनटू 10, तो 900 माइनस 700 तो 200 यूनिट्स, इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसने पूछा है मिनिमम स्टॉक लेवल, इसे सेफ्टी स्टॉक कहते हैं, ये रिक्वायरमेंट 4 होगी। अब रिक्वायरमेंट 5 एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज लेवल। अब देखें अगर ये हम उसमें ईओक्यू में भी फाइंड करते रहे हैं टेबल में, मैं आपको वहाँ पे फार्मूला लगवाता रहा हूँ ऑर्डर साइज बाय 2, और मैंने आपको ईओक्यू में भी बताया था कि इसका ओरिजिनली फार्मूला है ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, लेकिन वहाँ सेफ्टी स्टॉक हमने ईओक्यू जो किया, किसी एक भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था कि देर विल बी नो सेफ्टी स्टॉक रिक्वायरमेंट इन आर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ है चूंकि दिया हुआ है, अगर ये दिया ना होता तो ऑर्डर साइज बाय 2, अब दिया हुआ है तो ऑर्डर साइज जो कि ईओक्यू वाला है बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, तो 1200 यूनिट्स का ऑर्डर साइज है ये, बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक 200 ये, तो 600 प्लस 200 तो 800 यूनिट्स जो हैं। अब ये इसकी वजह क्या है, यानी ये तो ऑन एवरेज 1200 बटा 2 ठीक हो गया, लेकिन 200 यूनिट मिनिमम वो पड़े ही रहते हैं, तो 600 ये और 200 वो जो मिनिमम पड़े ही रहते हैं, तो असल में एवरेज लेवल जो है वो इन्वेंट्री का वो 800 यूनिट्स होता है। अच्छा एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल बाय 2, तो 1600 मैक्सिमम है, मिनिमम 200 यूनिट्स हैं, तो बाय 2 1800 बटा 2 तो 900 यूनिट्स जो हैं वो एवरेज स्टॉक लेवल के हो जाएंगे। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक लेवल दोनों फॉर्मूले हो गए। अब आखिरी जो इसकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट 7 है, रिक्वायरमेंट 7 डेंजर लेवल है, वो इधर ही जो है वो भी कैलकुलेशन देखें इसकी, डेंजर लेवल जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है। रिक्वायरमेंट 7 डेंजर लेवल है, डेंजर लेवल का फॉर्मूला ये जो है वो बार बार सिचुएशन हमने की हुई है, आखिरी ये फार्मूला है इस क्वेश्चन का, रिक्वायरमेंट 7 है डेंजर लेवल। अब डेंजर लेवल जो है ये वो लेवल होता है कि इसके ऊपर आपको इमरजेंसी लगानी पड़ती है, इमरजेंसी नाफज करके इमरजेंट कंडीशन में मटेरियल मंगवाना पड़ता है। डेंजर लेवल का फॉर्मूला होगा एवरेज डेली कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय इमरजेंसी लीड टाइम, और वो इमरजेंसी लीड टाइम इन डेज होना चाहिए। तो एवरेज डेली कंजम्पशन डेज, एवरेज डेली कंजम्पशन ये दी हुई है 70 यूनिट, और इमरजेंसी लीड टाइम, इमरजेंसी लीड टाइम ये इन डेज दिया हुआ है 2 दिन है, तो 70 इंटू 2 तो 140 यूनिट्स, तो 140 यूनिट्स जो है वो डेंजर लेवल है। यहाँ पे अगर 140 यूनिट्स रह जाएंगे
तो इसका मतलब ये होगा कि जब 140 यूनिट्स रह जाएंगे तो हमारा जो स्टोर कीपर है वो ख़तरे की जो है वो घंटी बजा देगा कि अब आपको मटेरियल एमरजेंट कंडीशंस में मंगवाना है, फिर ही आप प्रोडक्शन को रोकने से बचा पाएंगे। एक्सरसाइज 7 और 8 दो ही क्वेश्चंस आज के लेक्चर में। गर्मी आपके सामने बहुत ज़्यादा है, ठीक है, देख लें क्या हालत होती है। क्वेश्चंस ये इस तरह से बनाने, लेक्चर्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने, ये इतने आसान नहीं है। तो इन वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखें, मुकम्मल तौर पर देखें, समझने की कोशिश करें, और इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। और वीडियो लेक्चर्स आपकी समझ में आते हैं तो इनको लाइक ज़रूर करें और इनके ऊपर अपने कमेंट्स दें। एक लेक्चर हमारा इन्वेंट्री लेवल्स के ऊपर और है, दो क्वेश्चंस जो उसमें करवाने हैं वो बड़े अहम हैं और वो भी कई दफ़ा पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। एक लेक्चर और होगा, फिर 1990 से लेकर 2019 तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इन्वेंट्री लेवल्स का पेपर्स में आया हो, उस टाइप का क्वेश्चन हमने किया ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।